मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। खाद्य तेलों के अधिक आयात की वजह से वनस्पति तेल का आयात मार्च में 13% बढ़कर 11 लाख टन से अधिक हो गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने कहा है कि मार्च 2022 में खाद्य तेल और अखाद्य तेल का आयात 11,04,570 टन हुआ। मार्च में भारत के पाम तेल के आयात में पिछले महीने के मुकाबले 18.7% का उछाल आया है। मार्च महीने में देश में 5,39,793 टन पाम तेल का आयात किया गया। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में पीएनजी और सीएनजी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम 71.61 रुपए हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को चना खरीद पर बड़ी राहत दी है। अब किसान सरकारी रेट पर रोजाना 40 क्विंटल तक का चना बेच सकेंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 25 क्विंटल की थी। बिहार सरकार ने किसानों से गेहूं खरीद की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत बिहार सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 22 अप्रैल से गेहूं की खरीद करेगी। इसके लिए बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मसालों के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। 2022 में अब तक हल्दी, जीरा और धनिया 25% तक महंगे हुए हैं। एक साल पहले के मुकाबले इन मसालों के भाव 71% तक बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस सीजन के चीनी उत्पादन में कमी देखी जा रही है, लेकिन गन्ना भुगतान के मामले में सरकार के प्रयत्न से चीनी मिल समय से भुगतान करने की कोशिश करने में जुट गई है। राज्य की चीनी मिलों ने 921.25 लाख टन गन्ना पेराई कर 93.15 टन चीनी उत्पाद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय डीओसी की लागत महंगी होने से निर्यात सिमट गया है। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान देश से सोया डीओसी के निर्यात में 71.06% की गिरावट आकर कुल निर्यात केवल 4.72 लाख टन हुआ। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई और एनएसई पर जुर्माना लगाया है। दोनों पर यह जुर्माना ब्रोकरेज फर्म कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के घोटाले से जुड़ा है। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर आरोप है कि उन्हें कार्वी द्वारा ग्राहकों के 2300 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज के गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क माफ करने का ऐलान किया है। मंत्रालय के इस फैसले से न केवल कपड़ा उद्योग को फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी कम कीमत पर कपड़ा मिलेगा। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।